आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गजिया न्यूज 24/7। मैं हूं आपकी मेजबान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर रिकंसिलिएशन फ्रंट की तरफ से घंटाघर श्रीनगर में एहतजाज। जिला बांडीपोरा में बीजेपी की तरफ से गरीब कल्याण सेवा ड्राइव का इनेकाद। अब खबरों का तबसरा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर पर मरकज के जेर इंतजाम इलाके में हालिया टारगेट किलिंग के तनाजुर में एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की। एनएसए अजीत डोवल, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, मरकजी होम सेक्रेटरी अजय कुमार भाला, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डीजीसी आरपीएफ कुलदीप सिंह, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह पंकज सिंह, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह समेत दीगर अहम अफसरान इस मीटिंग में मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में मौलाना रूमी और मौलाना इकबाल तालीमी अफकार और नज़रियात में यकसानियत के ज़ेर उनवान एक बैनुल अक़वामी तौसी खुतबा पर मबनी एक रोज़ा सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें मारूफ अदीब और दानश्वर कैनेडा शुमाली अमेरिका में मुकीम डॉक्टर सईद तकी आबदी ने तौसी खुतबा पेश किया, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने सदारत की। इस मौके पर बताया गया कि मुअरफत इलाही और इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों मुफक्किरीन के तालीमी अफकार और नज़रियात में यकसानियत की बुनियाद है, इसलिए आज के दौर में उनकी तालीमात और नज़रियात को फ़रोग देना पूरी दुनिया के लिए अजीम तोहफा है। साइंसी तरीका आयकार का इस्तेमाल किया गया है। हवाला जात का इंद्राज राइज एमएलए स्टाइल शीट के एंड मुताबिक किया। आई डोंट नो व्हाई डॉक्टर्स ओनली आर सो मच इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च। कुछ ना कुछ कहीं पे होगा, इम्प्रेस देम। मुझे डॉक्टर मजीद साहब का पता है, ये भी अक्सर इस मौजू पे बहुत बोलते हैं। इकबाल इंस्टीट्यूट ने कुछ अपने मसाइल बताए यहाँ पे। बताऊंगा, मैं कागज से नहीं पढ़ता, जहन के सफा से ये कागज मेरे सामने रहते हैं, ताकि मजमून बहुत वसी है और ये मजमून इस वक्त इकबालियात की दुनिया में या तनकीद की दुनिया में बहुत गरा पत्थर है, जिसको मेहराब इश्क में रखना। यहाँ एक मुतहरिक डायनामिक एकेडमिशियन, रिसर्चर और एडमिनिस्ट्रेटर, जिन्होंने मुख्तलिफ कैपेसिटीज में यहाँ काम करके अपना लोहा मनवाया है और इसीलिए फिर अजीम तरीन मनसब से सरफराज हुई। हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर पब्लिक स्कूल काजीगुंड ने आज तंबाकू नोशी पर एक आगाही रैली दिखाई। रैली में स्कूली बच्चों ने प्लेकार्ड्स दिखाए, जिस पर सिगरेट नोशी बंद करो के नारे लगाए गए। There's so many diseases like heart diseases, stomach cancer, throat cancer, mouth cancer, etc. We must encourage others and ourselves to stay away from cigarette smoking. और जो smoking है, देखिए आज जब हम देखते हैं कि many students are telling that we are in depression, so we use smoking for get tension free. So that's not right step for you. में देखने को मिलता है कि आज बहुत आम है स्मोकिंग, सड़कों पे, घर में कोई ना कोई स्मोकिंग करता ही रहता है। तो हमारा यही मकसद था आज कि हम लोगों को बताएं कि ये बहुत गलत स्टेप है, इससे रुको, और स्मोकिंग बहुत गलत स्टेप है, इससे बचो। तो इसी से अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत अजर देगा इसमें। तो थैंक यू। हमारे
नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक काइंडनेस टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट का आज एक शानदार फाइनल मैच जालपुर सुंबल में मुनक्किद हुआ। एक एफर्ट है ताकि ये जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये बुरी आदतों से दूर रहें और जब भी इनके पास वक्त हो, फ्री टाइम हो, तो प्रोडक्टिवली आपस में खेलें और अपना इसमें कैरियर भी बना सकते हैं। स्पोर्ट्स में ये कैजुअली भी खेल सकते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा भी इनका बढ़ेगा और फिज़िकल फिटनेस भी रहेगी, सेहत तंदुरुस्ती भी रहेगी, बनिस्बत कि ये बुरी आदतों में जाएं और अपने आप को भी परेशान करें, अपने घर वालों को परेशान करें और अपने माशरे का भी सत्यानाश करें, क्योंकि आइंदा की नस्लें ही हमारा फ्यूचर है। वी हैव क्रॉस दैट स्टेज। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से एक लोगों को शमूलियत करनी चाहिए ताकि ये एक्टिविटीज़ बढ़ती रहें। और सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना चाहिए कि फैसिलिटीज़ हर जगह प्रोवाइड की जाए, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे तो सारा नहीं हो सकता, तो उसमें उनका थोड़ा सा होना चाहिए कंट्रीब्यूशन सरकार की तरफ से, ताकि फुटबॉल, क्रिकेट, जितने भी स्पोर्ट्स हैं और जहाँ पे जो हो सकता है। हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक बारामूला के क्रीरी इलाके में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर के जरिए किसानों के लिए बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इसके अलावा अगर ये ग्रैनी स्मिथ या रेड गोल्ड रखेंगे या और जो पोलिनाइजर वेराइटीज़ है, गाला का भी बहुत अच्छा देखा गया है इफ़ेक्ट बाग में, अगर वो वेराइटीज़ भी अपने बागों में ऐड करेंगे ये, तो उससे भी पोलिनेशन का जो इफ़ेक्ट है वो जो है वो कम हो सकता है या हमारी भरपूर जो है फसल हो सके। उसके बाद जो पोलिनेटर हमारे जो, चूँकि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स यूज़ करते हैं, उसकी वजह से देखा गया है कि जो पोलिनेटर्स जो नेचुरली इसको पोलिनेशन करते थे, उनकी कमी अब वाका हो गई, वो कम अब अवेलेबल होते हैं पोलिनेशन और पोलिनाइजर के लिए, तो पोलिनेशन के लिए। तो उनको अगर हम उस टाइम जो अब जब हमारी फ्लावरिंग का सीज़न होता है इसमें एप्पल में, उस टाइम अगर हम कुछ जो हमारे जो कुछ बी कॉलोनीज़ एक दो रखें, दो या तीन अपने बाग में रखें या एक ही रखें, तो उससे भरपूर हमारा जो है पोलिनेशन में मदद मिल सकता है। और पर्टिकुलरली उस टाइम जब अगर कभी वेदर हमारा ख़राब होता है ज्यूरिंग फ्लावरिंग, उस टाइम फिर पोलिनेटर को उतना मौका नहीं मिलता निकलने के लिए, या वो निकलता नहीं है अगर ग्लूमी सीज़न होगा, तो अगर उस टाइम में हमें ज़्यादा रिकमेंड है कि हम जो इंटेंसिटी इनकी बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम पोलिनेटर कॉलोनीज़ बाग में रखें ताकि हमारी जो पैदावार है वो बढ़ सके और पोलिनेशन प्रॉपरली हो सके। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कश्मीर के ज़िला बानीपुरा में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से गरीब कल्याण सेवा ड्राइव शुरू की गई। काबिल जिक्र ये है कि ये ड्राइव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुल्क के हर गांव और हर शहर में शुरू किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि मोदी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर गांव देहात में जाकर इस बात का जायज़ा लिया जा सके कि क्या वाकई तौर पर हुकूमत की स्कीमों को उनका फ़ायदा मिल रहा है। आज हुए थे पूरे हिंदुस्तान में आम जनता के लिए, उनको देखना है, जैसा कि यहाँ पे फ्री राशन का मतलब मिला था लोगों को, और इसके साथ साथ यहाँ पे जैसा जिन लोगों के पास लेटरिन और वो पैंतीस नहीं थे अपने घरों में, उनको देखना था। यहाँ पे उज्ज्वला स्कीम के तहत जो गैस कनेक्शन मतलब आम जनता को मिला है, क्या वो मिला उनको मिला है या नहीं मिला है, तो उसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने यही एक निर्णय लिया है कि पूरे हिंदुस्तान में ये ड्राइव 15 दिन तक चलाया जाएगा, ताकि लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये कार्यकर्ता मतलब बाजाबत तौर पर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और यही रिपोर्ट हमें 15 दिन के बाद अपने नरेंद्र मोदी मतलब यहाँ पे उसको ये पेश कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक इन्फोटेल अवार्ड्स तकरीब 2022 चंडीगढ़ में मुनक्किद हुई। ये अवार्ड्स उन अफसरान को दिए गए जो अपने अपने पेशों में मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन अफसरान के अलावा सामाजिक कारकुनों और दीगर ऐसे अफराद को जिन्होंने अदबी शोबे में आला कारकर्दगी दिखाई है, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर रिकॉन्सिलिएशन फ्रंट ने गैर मकामी लोगों के हालिया कत्ल के खिलाफ घंटाघर श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। क्या है उनका मुतालबा, आइए देखते हैं मोहसिन अल्ताफ की इस रिपोर्ट में। देखिए, बार बार
आम इंसान को मारना, आम जम्मू कश्मीरी के शहरी को मारना, ये गलत बात है। हमने आतंकवाद को तर्क किया है, अब आप हमारे हिंदू भाइयों को भी निकाल रहे हैं, मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं, तो ये कौन सी सियासत है? ये किसको आजादी दिला रहे हो? ये आप पाकिस्तान के ब्लीड इंडिया पॉलिसी पे ISI के जो एजेंट्स यहाँ बैठे हैं वो अपनी कार कर रहे हैं। तो मेरे मुसलमान भाई अभी मेरे पास घर पे आए, अभी ने रिक्वेस्ट किया कि आप नहीं जाएंगे, और मैंने ऐद किया मैं कश्मीर छोड़ के नहीं जाऊंगा, कश्मीरी पंडित होके मैं कश्मीर नहीं छोड़ूंगा। और मैं अपील करता हूं इंटरनेशनल मीडिया से, जो हमारे मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी से, भाई ये कब तक आप हमको मारते रहेंगे? कोई पॉलिसी बनाइए, डिसाइसिव एक्शन लीजिए। आपको पता है रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान, और जो यहाँ गुप्कार गैंग उनके एजेंट बैठे हैं, यहाँ हुरियत बैठी है, तो कार्रवाई कब करोगे? हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत शेख हैदर बाबा रिशियल मारूफ रिशमुल साबा नतनाक का सालाना उर्स पाक 29 मई से 3 जून तक जारी रहने के बाद आज इख्तिताम हुआ। 5 रोजों तक जारी इस उर्स के दौरान कस्बा और मुलहका इलाका जात में गोश्त, मछली और मुर्ग खाना तर्क किया जाता है। गुज़श्ता शब ज़ियारत शरीफ पर दुरूद व अज़कार की महफिल मुनक़िद हुई, और आज इख्तितामी तकरीब के मौके पर दिन भर ज़ायरीन की कसीर तादाद ने ज़ियारत पर हाजिरी दी, जबकि इस मौके पर कश्मीर के अमन व कानून की बहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। یم بٹ بھائی سکھ بھائی یمن دت نلسار مسلمان ستھن رب العالمین خدایا اہند باغن زراعت یم تجکات من سادن باقی کامن من سادن خاندرن خندرن من پردگارا یہ انوق بی واپس یت پیر واڑی من اس داو امن و امان۔ खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैजयाब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।